नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 10 का दम देख रहे हैं आप। और सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। नवनियुक्त दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। कल पीएम आवास में हाई लेवल कमेटी की बैठक में दोनों चुनाव आयुक्तों का चयन किया गया। ज्ञानेश कुमार केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे सुखबीर सिंह संधू भी नए चुनाव आयुक्त होंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि अगले एक से दो दिन में तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो क्या आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि दोनों जो नए चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कभी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट्स फाइनल कर सभी के सामने लाई जा सकती हैं। और जो दोनों नए चुनाव आयुक्त हैं उनके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीजन थे और उनके कार्यकाल में ही जेएनके से धारा 370 को हटाया गया। इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय के गठन में अहम भूमिका ये निभा चुके हैं। और दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपना कार्यभार चूंकि अब संभाल लिया है तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया जाएगा। किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है।